नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन। जी हाँ, माता वैष्णो देवी का मंदिर जो कि वाराणसी के बलवा रोड के तलमापुर में स्थित है। आपको बता दें कि 15 फरवरी को शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन जम्मू जाकर नहीं कर पा रहे हैं, अब वो वाराणसी में आकर माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको कराते हैं माता के दर्शन। माता वैष्णो देवी का यह मंदिर कैंट से लगभग 8 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। तो ये रहा मंदिर का प्रवेश द्वार, यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं साइड में ये सारा ग्रह का पूरा चित्र बनाया गया है पत्थर द्वारा। इसी बीच मंदिर का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। यहाँ इस मंदिर में काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से देखा जाए तो यह मंदिर अपने आप में काफी अद्भुत लग रहा है। वहीं आपको बता दें कि मंदिर में अगर आपको दर्शन करना हो तो आप दिन के 12 बजे आते हैं तो आपको तुरंत दर्शन हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंदिर ज्यादातर सुबह और शाम के समय काफी श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। यहाँ माता रानी को नारियल और चुनरी चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं मंदिर को काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है। मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं माँ दुर्गा की भी प्रतिमा स्थापित है। माता वैष्णो देवी का दर्शन गुफा में प्रवेश करने पर होता है, लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले गुफा के अंदर प्रवेश करने पर आपको सामने यह दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है श्री 1008 ब्रह्मचारी चतुर्थक आनंद जी हैं। और उसके बाद माँ अर्धकुमारी के दर्शन होते हैं और फिर माता शक्तिपीठ माँ वैष्णो देवी के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। और आपको बता दूं कि यहाँ दर्शनार्थियों के लिए एसी भी लगी हुई है। और यहाँ देखिए, यह माता भद्रकाली हैं। अब बाहर चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो जगह है यह नवरात्र में यहाँ इस समय भक्तों द्वारा कितनी चुनरी बांधी गई है। यहाँ दर्शन करने के लिए काफी सुगम व्यवस्था की गई है। ऐसे ही धर्म और संस्कृति से जुड़े खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।